जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने करीब 6 महीनों से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गढ़ा थाना SI विनय बुंदेला ने बताया, विशाल नाम के आरोपी ने चाकूबाजी की 2 वारदात की है, जिसमें इसने 2 लोगों को घायल भी किया है। चौहाने इलाके में रहने वाला विशाल अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान घर गवा बैठा और तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर लगा रखे थे, लेकिन इसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। आखिरकार यह पुरानी जगह पर काबिज होने पहुंचा और घर फिर से बनवाने लगा। इस बीच पुलिस को इसकी खबर लगी और इस सलाखों के बीच पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि विशाल आदतन अपराधी है और इस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट। एक आरोपी है विशाल डुमार, इसने पूर्व में जनवरी फरवरी में राम सुजान तथा एक अजहर खान पर चाकू से हमला किया था, जिसमें 324 का मुकदमा थाने में कायम था। चौहानी में निवासरत था, जो चौहानी की पहाड़ी टूटने की वजह से, अतिक्रमण में टूट जाने की वजह से गायब हो गया था, कहीं अन्यत्र निवास करने लगा था, जिसकी जानकारी नहीं लग पा रही थी। पुनः ये चौहानी में अपना अतिक्रमण वाले स्थान पर घर बनाकर रहने लगा है, जो मुखबिर सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया और दोनों ही घटना में प्रयुक्त से चाकू जब्त किए गए। मैं जब दूसरी घटना भी इसकी वारदात दी गई थी, दोनों ही घटना है इन्होंने लगातार की थी, और एक घटना में इसका भाई भी शामिल है जो अभी तक फरार है, रवि डुमार, उसको भी निश्चित ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया, क्या पुराने अपराधी की रिकॉर्ड? बेदीनगर में अभी ये रह रहा है, तो बेदीनगर से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी क्या पुराने अपराधी? पुराना अपराधी इसका रिकॉर्ड काफ़ी है थाने में, जो उसके अनुसार रिकॉर्ड लगाकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है, अन्यथा जो भी है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इस पर की जा रही है।